बैक ट्रैकिंग और पैराफ्रेजिंग, इसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। कम्युनिकेशन में बैक ट्रैकिंग और पैराफ्रेजिंग बहुत जरूरी है। जब तक ये दो आप अपनाते नहीं हो, तब तक आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो ही नहीं सकता, असंभव है। क्या होता है कि बहुत बार हम ऐसा बोलते हैं कि मैं क्या बोलता हूँ लोगों को समझता नहीं, और लोग क्या बोलते हैं ये कभी कभी आपको भी समझता नहीं है, फिर लोगों की भी ये कंप्लेंट रहती है कि आप समझते नहीं हो। ये इसलिए होता है कि जब आप किससे बात करते हो तो करीब करीब 10% ही उसके दिमाग में अंदर घुसता है, या कोई आपसे बात करता है तो 10% सिर्फ अंदर घुसता है, 90% घुसता ही नहीं वो क्या बोल रहा है। तो 90% जो ऑलरेडी अंदर है उसके साथ में ये 10% बाहर का जो है वो मैच किया जाता है और उसका मीनिंग लगाया जाता है। मैं जब बोलता हूँ तो मेरा 10% सामने वाला सुनता है, 90% उसका अंदर जो है उसके साथ में उसका तालमेल होके जो समझना है वो समझता है और बाद में एक्शन लेता है। तो फिर मेरा ये काम है कि मैं जो बोलता हूँ यदि वो 10% ही अंदर जा रहा है सामने वाले के, तो फिर मैंने क्या बोला ये मैंने चेक करना चाहिए, या फिर उसने क्या बोला ये मैंने चेक करना चाहिए। समझो कोई मेरे से बात करता है तो कि भाई उसने बोला वो बराबर है कि नहीं है। तो बैक ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है? बैक ट्रैकिंग इसका मतलब ऐसा है कि सामने वाले ने जो बोला वो जैसा का वैसा ही बोलना, वर्ड टू वर्ड बोलना, वर्ड टू वर्ड बैक ट्रैकिंग। समझो भी मैं किसी को कुछ ऑर्डर दे रहा हूँ, कुछ काम करने के लिए बोल रहा हूँ और वो काम नहीं करता है, जब मैं उसको पूछता हूँ काम क्यों नहीं किया, तो फिर मुझे मालूम पड़ता है कि उसको समझा ही नहीं मैंने क्या बोला। फिर क्या मेरा ये काम नहीं किया कि जब मैं किसी को काम बता रहा हूँ तो उससे पूछना, बैक ट्रैकिंग करवाना कि मैंने क्या बोला जरा बोल के बताओ। या कोई आपसे बात कर रहा हो तो मैं बोलता हूँ ठहरो जरा, मुझे है ना, मैं रिपीट करता हूँ मुझे क्या समझा, और बैक ट्रैकिंग करके यदि मैं रिपीट करता हूँ उसने जो बोला है, उसको बोलना यही बोला ना आपने, और उसने हाँ बोला, तो इसका मतलब है कि मुझे समझ गया सामने वाला क्या बोल रहा है। तो या मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो उसको पूछना है कि मैंने क्या बोला जरा बताइए, और वो बैक ट्रैकिंग करके वो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड मुझे बताता है, तो मैं समझ सकता हूँ कि नहीं उसको ये समझा हुआ है कि मैंने क्या बोला। तो ये हो गया बैक ट्रैकिंग। और बैक ट्रैकिंग में जैसा आयना सामने रहता है और आयना जैसा अपनी कॉपी करता है अपन जब बात करते हैं, तो वैसे ही कॉपी सामने वाला मेरी करेगा जब मैं बात करता हूँ पूरे होने के बाद में। तो इसमें और पैराफ्रेजिंग में फिर क्या फर्क है? पैराफ्रेजिंग ऐसा होता है कि पैराफ्रेजिंग में जब मैं कोई किसी को कुछ बोलता हूँ तो मेरे बोलने की समरी वो मुझे देता है, समरी मतलब सारांश। या कोई मेरे से बात कर रहा है तो मैं उसको सारांश देता हूं कि उसने मेरे से क्या बात किया, सारांश देना है, समरी। जब मैं किसी को काम बोलता हूं और उसको बोलता हूं अभी समराइज कर कौन से काम करने वाला है, तो फिर वो जब समराइज करेगा या मैंने क्या बोला वो समराइज करके मुझे बताएगा, तो मुझे समझ में आता है कि उसने क्या बोला और उसने जो बोला वो मैंने बोला कि नहीं बोला। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, बैठे घर के लोग, फैमिली मेम्बर्स, और वो कैप्टन ऑर्डर लेने के लिए आता है, ऑर्डर लेता है। ऑर्डर लेने के बाद में मेरी ऐसी अक्सर हैबिट अभी हो चुकी है कि ऑर्डर लेने के बाद में मैं उसको बोलता हूँ कि तूने क्या क्या लिखा वो मुझे ज़रा बता, और 10 में से करीब करीब 7 बार ऐसा होता है, 10 में से 7 बार के ऑर्डर गलत लिखी रहती है, कुछ तो भी उसने उल्टा पुल्टा लिखे रहता है, और जो ऑर्डर दिया था वो लिखी नहीं बराबर। जब मैं उसको पूछता हूँ जरा बताओ क्या लिखा है तो बताता हूँ, मतलब नहीं ऐसे नहीं बताया, करेक्ट कर। तो पैराफ्रेजिंग इसका मतलब जो भी बताया उसका सारांश बताना, सारांश बताना, समरी बताना, वो वर्ड टू वर्ड नहीं रहेगी। और इसमें फर्क क्या है कि वे श्रोता समझो है, मैं किसको मतलब मैं किसी कोई ऑडियंस के सामने खड़ा हूँ और मैं कुछ बोल रहा हूँ और उनको बोल रहा हूँ कि अभी तुम मुझे समरी बताओ, तो मुझे ये समझ में आता है कि लोगों को समझ में आ गया। तो ये बैक ट्रैकिंग और पैराफ्रेजिंग इसकी प्रैक्टिस हम करते हैं तो कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया होगा, आपके काम जल्दी जल्दी हो जाएंगे, आपके काम लोग करेंगे, क्योंकि लोग काम करते नहीं, आपको लगता है कि लोग काम नहीं करते, लोग काम नहीं करते, लोग काम करते हैं, लोगों को समझे नहीं आपने क्या बोला इसलिए लोग काम नहीं करते हैं, तो लोग भी काम करना चाहेंगे, आपका समय भी बच जाएगा और काफ़ी राहत मिलेंगी कम्युनिकेशन में, अपना समय बचेगा, रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो ज़रूर आप बैक ट्रैकिंग और पैराफ्रेजिंग अपने रोज के बोलने में लाओ, अपने स्टाफ के साथ में लाओ, आप किसको काम बोलते हो उसके साथ में लाओ, हर बार ये आपने चेक करना जरूरी है कि आपने जो बोला वो उसको समझा कि नहीं, या सामने वाले ने जो आपसे बोला वो आपको समझा कि नहीं,
या आपको जो समझा वही उसने बोला कि नहीं, तो ये आप करते हैं तो बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन हो जाएंगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।